500 परिवार होंगे, बिल्कुल जड़ से मकान और दुकान समाप्त किया जा रहा है। उसमें हमारे बहुत बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति के भाई हैं जो हमारे मिट्टी बेड़ी में और प्रेम नगर के अनुसूचित जाति रिजर्व जो बोर्ड है हमारा, उस बोर्ड के बहुत बड़ा हिस्सा उसमें लोगों का नेशनल हाईवे कह करके नाप करके घर और दुकान पूरी तरह से तबाह किया जा रहा है। अब मैं आपसे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, आपकी तवज्जो चाहूंगा कि चलिए अतिक्रमण के नाम पर हाईकोर्ट का कोई आदेश आया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का भी प्रमोशन में रिजर्वेशन में प्रमोशन का आदेश है और पूरे देश के अंदर उसके खिलाफ एक भावना है अनुसूचित जाति के भाइयों में, तो क्या केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाकर के रिजर्वेशन में प्रमोशन के मामले में वहां पर स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल करी कि नहीं करी? क्या राज्य की सरकार देहरादून के लोगों को जो स्वीकृत मानचित्र है, जो अतिक्रमण के जल में नहीं आते, जिनका किसी अथॉरिटी ने नक्शा पास किया है, चाहे वो नगर पालिका हो, नगर पालिका परिषद, नगर निगम हो या एमडीडीए हो, क्या राज्य की सरकार का कर्तव्य नहीं था कि वो हाईकोर्ट में जाकर के इस पक्ष को रखती?